जनपद में 31वीं राष्ट्रीय थ्रोबॉल जूनियर बालक और बालिका का चैंपियनशिप 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक स्थानीय सेंट एंड्रयूज स्कूल एवं इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल कुसमई में आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में भारत के विभिन्न प्रांतों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की टीमें भाग लेंगी तथा प्रतियोगिता में सेंट्रल स्कूल उत्तर प्रदेश थ्रोबॉल संघ के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय थ्रोबॉल जूनियर के आयोजक के अध्यक्ष डेविड जॉर्ज ने बताया कि कुल 14 टीमें भाग लेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रतियोगिता के आयोजन के मुख्य संरक्षक महेंद्र कुमार, आयोजक सचिव ओवादा हबीब, उत्तर प्रदेश संघ के सचिव फुरकान अहमद खान एवं अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रीय थ्रोबॉल जूनियर आयोजन के अध्यक्ष डेविड जॉर्ज ने कहा, ये 31st जूनियर नेशनल थ्रोबॉल टूर्नामेंट के संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है ताकि जागरूकता बढ़े लोगों में इस खेल के प्रति। इसका खासियत यही है कि गोरखपुर शहर से ही यूपी के टीम के ज़्यादातर बच्चे हैं, तो हमारे शहर के बच्चों को थोड़ा सा और बढ़ावा मिले कि वो और एक्सेल करें और बढ़िया करें गेम्स में। कितने प्रदेशों की कुल 14 वो है टीम मेंबर्स हैं, जिसमें से 14 पूरे टीम गोरखपुर की ही के ही बच्चे हैं। कितने पुरुष और कितने महिलाएं? 14 पुरुष 14 महिलाएं।